Welcome back everyone. So good morning to all of you guys. Actually मैं गुड आफ्टरनून हो रहा बट आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना किस टाइम वीडियो को दे रहा हूँ. तो जब भी हम एक नई शुरुआत करते हैं तो दैट इज गुड मॉर्निंग. ठीक है, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस. ओके, सो शुरुआत करनी है. आज हमने एक और ऑसम से बेहतरीन से टॉपिक की कार्बन थ्योरी ऑफ गैसेज. और आप सबको बताया यार कि इसका यूज होके काफी क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं. तो आज बेसिक से एक अच्छे लेवल तक जितने भी कॉम्पिटिशन में हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं हर टाइप के डिस्कशन आज हम करने वाले हैं. तो मेरे साथ आप मस्त तरीके से बने रहना और एंजॉय करेंगे इसके सारे कंसेप्ट, उनको सीखेंगे हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वन बाय वन. तो देखो यार, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले टोटली जो चैप्टर है ना, ये पर्टिकुलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो टॉपिक है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं. अजम्पशंस यहाँ पे बहुत मैटर करती है तो उनकी हम बात करेंगे. थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री में इसकी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, नो प्रॉब्लम. एक लिटिल बिट जस्ट एक जानकारी आपने ले ली, अदरवाइज एनसीईआरटी के थ्रू या कहीं पे इस तरीके से रीडिंग भी कर सकते हो उस बेसिक थ्योरी के लिए. उतनी जस्ट इतने हमें पता होनी चाहिए कि इसके बिहाइंड स्टोरी क्या है, दैट्स इट. ओके, उसके बाद इसकी मैथमेटिकल जो चीजें हैं वो हमारे लिए मैटर करती हैं, जिनका यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और उनका यूज करके एक अच्छे लेवल तक आप जा सकते हो, जिससे आप अपने प्रश्न सॉल्व करके आ सकते हो. स्टार्ट करें, बहुत हो गई आज की ये बकवास. ठीक है, स्टार्ट करें अपना मिशन. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो कम ऑन, तो देखो यार काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, अच्छा एक चीज तो सबसे पहले ही देखो आप, जो गैसेस होती है एक चीज तो आपको इनके बारे में पहले ही फंडा क्लियर होना चाहिए कि जो गैसेस होती हैं हैव नो शेप नो साइज, है ना. इनकी कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होती, ये तो आपको पहले से ही पता है. मतलब ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए. पहला पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर, एंड नेग्लिजिबल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो गैसेस होती हैं उनकी. अगर हम बात करें लिक्विड और सॉलिड के कंपैरेटिवली, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है, यू नो, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है. वो आप ध्यान से माइंड में रखेंगे, यानी आप लिख सकते हैं नेग्लिजिबल. ओके, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिक तौर पे आपको बिल्कुल क्लियरली पता होने चाहिए. अब देखो इसकी जो बेसिक हिस्ट्री है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अगर मैं बात करूं, यू नो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ रियल जो थ्योरी दी थी, दैट इज गिवन बाय रियल थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी जिसको आप बोलते हो, दैट इज मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन. ओके, सो जो रियल थ्योरी रिप्रेजेंट की गई थी वो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने, यू नो, उसको रिप्रेजेंट किया था. और मैक्सवेल जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ है, जो लॉ है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी सीखेंगे भी, नो प्रॉब्लम. ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर थ्योरी थी आपकी, अगर देखा जाए तो जो एटॉमिक थ्योरी आप जिसको बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है, वो दी थी आपकी जॉन डाल्टन ने. ठीक है ना, बट जो रियल थ्योरी थी दैट इज गिवन बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, ये आपने पहले से माइंड में रखना है. ठीक है, ये माइंड में एकदम बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. ठीक है, इसके बारे में अब इसको स्टार्ट करने से पहले इसके, यू नो, कौन सी वो जो मेन फैक्टर्स हैं, कौन सी मेन चीजें हैं जो इसे एसोसिएट करती है, जो हमारे तो यू नो अपने कंसेप्ट पे जाने से पहले आने चाहिए. मतलब इसकी इसकी जो एबीसीडी है, मतलब उसको बेसिक चीजें हैं वो क्या है जो इसके साथ एसोसिएट करते हैं, तो वो हमें सीखनी है बिफोर कि हम इसको एक्सप्लेन करें. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उन चीजों को हम एक्सप्लेन करें. ठीक है, चूंकि काइनेटिक है तो ऑब्वियसली उसकी मोशन की हम बात करेंगे, वेलोसिटी की हम बात करेंगे, एनर्जी की हम बात करेंगे, प्रेशर की हम बात करेंगे, ऑब्वियस है ये. अरे इन सारी प्रॉपर्टीज की हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी केटीजी में आप बात करने वाले हो. तो जो मेन फैक्टर यहाँ पे आने वाले, आप प्रेशर की स्टडी करने वाले हो, उसकी मोशन की बात कर रहे हो, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी की आप बात करने वाले हो. ठीक है, उसकी वेलोसिटीज वगैरह इन सब की बातें यहाँ पे हम करने वाले हैं, ये तो क्लियर है. अब देखो इससे एसोसिएट करके जो चीजें बहुत जरूरी थी, हाइपोथेसिस क्या थी और उसके अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमें यहाँ पे याद रखनी है, जो कैलकुलेशन में यूज होंगी, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. मजा आ जाएगा अगर आपको वो चीजें बेसिक तौर पर पता है, फॉर्मूलाज पता है. डायरेक्टली से जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड होते हैं. अगर आपको फॉर्मूले भी याद है तब भी आप क्वेश्चन फोड़ के आ सकते हो. कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए और जो इससे बेसिक चीजें मैं डिस्कस करूंगा, जो एजम्पशन हम लेके चलेंगे वो दिमाग में होनी चाहिए, बात खत्म. उसके बाद बात खत्म. तो मजा आने वाला है, बस बने रहना, मस्त तरीके से अच्छे से सिखाऊंगा, पूरे अच्छे से सिखाऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस भी करूंगा. ठीक है, और वो भी देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं. चलो तो आगे हम बात करेंगे एवोगैड्रो, है ना, हाइपो
फेसेस क्या थी, ठीक है जी, ये इसके बारे में आपने बात करना कि हैव अ टैगोर हैव अ फेसेस क्या थी और उन्होंने किस तरीके से इसको डिफाइन किया था और कौन सी गैसेस मानी गई थी, ठीक है, वो सारी बात हम यहाँ पे लेकर चलेंगे, जैसे रियल गैस और आइडियल गैस कौन किसको हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे, ये सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो क्या था, उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाली है वो क्या है, चले बात करें, डिस्कशन करें, मिलकर हेल्दी डिस्कशन देंगे। At equal temperature and pressure, ठीक? Equal volume of all gases at equal temperature and pressure have same number of molecules. बस ये important होने वाला है, यानी जितनी भी गैस आप ले लो, ठीक है, उनके equal volume में same number of molecules होने वाले हैं, same number of molecules होंगे अगर temperature और pressure उनका equal है। ओके, तो ये था उसका मेन स्टेटमेंट। अब आप ध्यान से समझ लेंगे इस मेन स्टेटमेंट से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट इक्वल टेंपरेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप एक डेफिनेट नाम क्या देने वाले हैं, ठीक है, आप सबको पता है यार, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में निकालो तो 6 पॉइंट, ठीक है, आपको ये नंबर बिल्कुल यहाँ पे एकदम क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए, 0 to 10 to power 23, ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिफाइन किए गए, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी को बोलते हैं ये एवोगैड्रो। आपको यार ये पक्का याद होगा, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, यू कैन राइट दिस इज एवोगैड्रो नंबर एंड हाउ यू कैन डिफाइन इट, वो बोलता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो एवोगैड्रो नंबर है यानी जो जितने भी मॉलिक्यूल्स है 6.02 10^23, बस इतना बेसिक से संबंध है, मैं बहुत डीप एनालिसिस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, कहाँ से है कैसा है इसके मैं कोई मतलब नहीं, केमिस्ट्री में आप देखते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे, ठीक है। सो दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन 22.4 लीटर है ना, ये वॉल्यूम है, ठीक है, इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर, इतने वॉल्यूम में of any gas, ठीक है, or any gas, किसी भी गैस के वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको नाम दिया गया एवोगैड्रो नंबर। जहां पे भी इसकी यूज करने की जरूरत पड़ेगी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज देयर इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम फॉर एनी गैस, वो इतने होते हैं, और इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। पहला पॉइंट को आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इससे रिलेट करके हम कितनी चीजें यहाँ पे सीख सकते हैं, उन सबकी बातें मैं खोले खोले वन बाय वन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, ठीक है। और एवोगैड्रो हाइड्रोलिसिस बोलती है, हम रियल गैस की बात नहीं करेंगे, हमेशा परफेक्ट गैस की बात करेंगे, एक आइडियल गैस की हम बात करेंगे, हमेशा आइडियल गैस होनी चाहिए, जिनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो फॉस्फोमेटिक इंटरेक्शन है ना, एक तरीके से बहुत मिनिमम होता है, ठीक है, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी बातें मैं डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ, कौन सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, फॉर्मूलाज है, जिनका आगे आने वाले सारे कंसेप्ट में यूज करने वाले, वो थोड़ी सी बातें करेंगे जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बहुत सबको याद होगा, बट फिर भी डिस्कशन करना तो बनता है ना, बॉस, याद आने के लिए चीजें इंस्टेंट, ओके। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे परफेक्ट गैस इक्वेशन के लिए, हम बात करेंगे जैसे मैंने आपको बोला, तो अजम्पशन जब हम करेंगे यू नो अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से पहले क्या क्या चीज़ों को पूछ सकता है, वो सब अजम्पशन में लेने के टेंशन नहीं लेने का। तो जब भी हम बात करेंगे परफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होती है, गैस इक्वेशन को क्या मानेंगे, जिसको आप पढ़ते आ रहे हो, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, पूरे लिख देता हूँ, ठीक है, ये इसको मानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल कंडीशन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ठीक है, आइडियल कंडीशन मान के हम यहाँ पे चलेंगे। सो परफेक्ट गैस इक्वेशन को हमने लिखा था PV = nRT, ये तो आपको हमेशा सपनों में आती है और आनी भी चाहिए, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, एंड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, द प्रेशर, द वॉल्यूम एंड द टेंपरेचर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे तीन जो थर्मोडायनेमिक आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एक रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन का नाम देते हैं। हाउ टू यूज दिस इक्वेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड इसका आगे आने वाले सिचुएशन में कैसे, ब्रह्मास्त्र से समझो आप इस चैप्टर के लिए, थर्मोडायनेमिक्स के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है, तो आपको बहुत क्लियरली इसका एप्लीकेशन करना आना चाहिए, इसमें यूज होने वाले हर एक टर्म को आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस करनी है। नाउ कम ऑन, P दोस्तों यहाँ पे प्रेशर है,
ये बिल्कुल क्लियर है आपको, ठीक है, पता है, मतलब मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम है सर, बिल्कुल सर। एंड क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स है, ये बहुत ध्यान से समझना, नंबर ऑफ मोल्स उस गैस में कितने हैं, ठीक है, और ये है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी ऑब्वियसली टेम्परेचर है, गैस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी, तो ये टेम्परेचर है, तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे अलग अलग देख ली। अब इंडिविजुअली हाउ यू कैन डिफाइन इट मैन, अब आ जाओ वापिस ध्यान से देखो, तो प्रेशर वॉल्यूम इज ओके, टेम्परेचर इज ओके, एम की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हाउ यू कैन कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द गैस, जो टोटल मास होगा, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस, यहां से निकालोगे आप, यहां से कैलकुलेट करोगे, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है भाई, ये मास होगा गैस का, ठीक है, यानी दिस इज, यू कैन से द मास ऑफ द गैस हैविंग एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी टोटल मास होता है एक्चुअली, टोटल मास ऑफ गैस, ठीक है, गैस का, या फिर आप कह सकते हो मास ऑफ गैस, और आप ऐसे कह सकते हो मास ऑफ गैस हैविंग एन, यानी कैपिटल एन ले लिया मैंने, कैपिटल एन, दिस इज एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस गैस के अंदर होंगे, तो उसका टोटल मास हम सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके जो बनेगा, समझ गए लॉजिक, ऐसे समझना, ठीक है। ये एम नोट क्या है, इसको बोलते हैं दोस्तों मोलर मास, मोलर मास, ठीक है, ये होगा उसका मोलर मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही है मेन मुद्दा, इसी के आप बात करेंगे, और जब भी इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम केजी में लेंगे, इन केजी, जब भी हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे, कभी भी कैलकुलेशन में इसका यूज होगा, अगर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में इसी का यूज करना होता है यार, तो आपने इसको केजी में लेना, अगर ग्राम में, जैसे कोई भी डोले गैस दे रखी है, उसका जो मास की होता है, मोलर मास जो होता है, वो ग्राम है पर मोल, ठीक है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इन केजी, यू हैव टू कन्वर्ट इन केजी, तो केजी में लेना, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और इसी को आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड में एवोगैड्रो नंबर, भाई ऐसे तो लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इस तरीके से दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, तो ये बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है कि इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से आपने इसका यूज करना है। आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन होगी आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है, ये स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, ये इसके टर्म्स में है, है कि नहीं है, ये सारे पॉइंट क्लियर है आपके पास, बिल्कुल क्लियर है। आप और क्या चीजें हैं जिस जो इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे याद रख सकते हो, देखो अगर मैं n की जगह आप पुट कर दूं ये, तो देखो क्या होगा, पी वी इक्वल टू हो जाएगा n बाई एन ए इंटू आर इंटू टी, तो दोस्तों पी वी इक्वल टू n, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, सॉरी मॉलिक्यूल्स आ गए, और r बाई एन ए जो होता है, ये r बाई एन ए, ये क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के बी, इसको कहते हैं के बी, ठीक है, बड़े वाला भी लिख देता हूं मैं, केबी, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्स, ठीक है, मैन्स कांस्टेंट, याद रखना हमेशा, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो याद रखियो हमेशा कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आपका आ जाएगा, इसकी जगह पुट कर सकते हैं PV equal to NKB into T, तो ये बन गई आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n is the number of molecules, जब भी number of molecules के terms में आप represent करेंगे इस equation को, तो NKBT यानी Boltzmann constant आएगा, फिर जब आप moles के terms में represent करेंगे तो gas constant आएगा, universal gas constant, जिसकी value आप हमेशा याद रखते हो 8.13, ठीक है, joule per mole per kelvin, मोल पर कर, ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियरली माइंड में होनी चाहिए और याद होनी चाहिए ये वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, तो यार ये सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप कैसे याद रखेंगे, इसका यूज करना आपको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ब्रह्मास्त्र है ना, ये तो हमेशा याद रखनी है, इसका तो बहुत आगे तक यूज होगा, टेंशन ही लेने का, और ये पता होना चाहिए मोलिक्यूल ये मास है गैस का, यानी मास ऑफ द गैस हैविंग द एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दिस इज द मोलर मास जो सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा, और इसकी वैल्यू केजी में पुट कर रहे हैं जब भी कैलकुलेशन हम कहीं पे करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एंड क्या है, इसको इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, सब आपके सामने, ये सिचुएशन इतनी बात अगर आप याद रखोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप कभी भी कहीं भी कैलकुलेशन में नहीं फंसने वाले, आपके आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन की वजह से क्रिटिकल होते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इतनी चीजें आप अपने दिमाग में रखे चलेंगे एकदम क्लियर रहेगा फंडा, ठीक है, स्टार्ट करें, मेन मिशन क्या है हमारा, ठीक है, अब यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी कि सर हम इसमें केटीज में पढ़ने क्या है, पहले कुछ एजम्पशंस है उनको देखेंगे, उसके बाद प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, जब हम किसी गैस को किसी कंटेनर में भर देते हैं,
फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो भागेंगे बहुत रैंडमली, रैंडम मोशन होती है, इनको इधर उधर के डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो कंटेनर की दीवारों पर टकरा रहे होंगे, तो कोलाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कंटेनर की वॉल्स पे ड्यू टू द गैस मॉलिक्यूल्स, उसको कैसे निकालेंगे, फिर उनकी वेलोसिटीज कैसे निकालेंगे, किस किस टाइप की वेलोसिटीज होती है, एनर्जी क्या होती है, वो सारी कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो एक चीज ये आप ध्यान से देखो, ये मैंने 1.3 लिख दिया, एक्चुअली दिस इज 3.1, ठीक है, 3.1 जूल पर मोल और केल्विन। तो ये थोड़ा सा आप डेटा पर ध्यान दिया करो, जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज 8.31, बाकी चीजें आपके दिमाग में है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे मिशन की तरफ, मेन मिशन क्या है हमारा, खबर। तो ये जो कुछ मेन बातें हैं उनकी जल्दी से मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, फटाक से कम टाइम में आपको समझा देता हूँ। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करने वाले हैं वो है प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब उनको किसी कंटेनर में भर देते हैं, जाओ भाई घूमो मजे करो मजे करो, वो डिफरेंट डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे होंगे, तो अजम्पशंस क्या है और यू नो बॉयल्स एंड चार्ज, ये सब देखो यार आपको पता है कहीं ना कहीं, बहुत 10th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे, 9th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे, तरीके से देखा जाए तो ये छोटे छोटे पहले पहले स्टेटमेंट हमें पता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, आपने देख ली होगी, ठीक है। बट जो मेन मुद्दे की बात है उसको स्टार्ट करने से पहले ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बेसिक नॉलेज इसके रिगार्डिंग अजम्पशंस क्या है, मतलब लिमिटेशंस क्या है, वो तो पता होनी चाहिए ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखें, पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बट स्टेटमेंट बता दूंगा, क्योंकि जस्ट आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। तो इनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था कि जो नंबर ऑफ मोल्स है यानी टेम्परेचर मेन है, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। तो आपको पता है जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV=nRT, अगर ये आपने कांस्टेंट कर दे, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट हो जाता है, मतलब बहुत क्लियरली आप देख सकते हो PV=V। तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट होगा, दैट इज अकॉर्डिंग बॉयल्स लॉ, उन्होंने ये बताया था आइडियल गैस इक्वेशन के लिए है, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। चार्ल्स लॉ साहब ने क्या बोला, अगर आप स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखोगे तो उसको बहुत ध्यान से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो ये सारे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, बट थोड़ा सा मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दें, ठीक है सर, तो हमें पता है PV=nRT होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर कांस्टेंट कर दो और ये भी कांस्टेंट कर रखा है हमने, गैस कांस्टेंट पहले से, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम बचेगा, तो दिस इज रिलेशनशिप। तो जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पे अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा था। तो दोनों रिलेशन बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, बिल्कुल बहुत क्लियरली सारी बातें आपको कहीं ना कहीं माइंड में होनी चाहिए, सारी जो केमिस्ट्री में चीजें हमने पढ़ी है बेसिक से वो थोड़ी सी आपको याद होनी चाहिए जो यहाँ पे यूज होने वाली है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन मुद्दा, अजम्पशंस क्या है दोस्तों, ये याद रखोगे ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल यार, खाली गरम गरम पे सब बताऊंगा आगे थकोगे एंड ऑल, टेंशन नहीं है। Assumptions में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसके लिए assumptions लिए जा रहे हैं, आइडियल गैस, हमें जब भी हम गैस की बात करेंगे तो आइडियल गैस की बात करेंगे, नॉट रियल गैस, रियल गैस की आप बात नहीं करेंगे, आइडियल गैस की बात करेंगे, परफेक्ट गैस की यहाँ पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आइडियल गैस की बात करने वाले हैं। उसके लिए assumptions क्या है, किसी गैस को आपने आइडियल गैस माना उसके लिए जो मेन assumptions है वो जरूरी है, जो मेन मेन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। कभी कभी इन पे क्वेश्चन भी बना दिया जा सकता है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले assumptions की अगर मैं बात करूँ, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा, मॉलिक्यूल्स का जो भी साइज होगा इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन दैट। सपोज कोई एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल कहीं यहाँ पे, इनके बीच की डिस्टेंस तो ये रही यहाँ पे देखो डी, लेकिन इनका जो साइज होगा मतलब इनका, ठीक है, अगर इनकी डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूँ आर, और इनका जो साइज है, साइज का मतलब डायमीटर मान लो चलो, या उसकी रेडियस मान लो, ठीक है, डायर मान लिया, ठीक है डायर, तो डी, तो ये बहुत कम होना चाहिए आर इनके बीच की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, इसको एक्स मान लो आप डिस्टेंस, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो इनका जो साइज है वो कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दैट मस्ट बी वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। ये पहला अजम्पशन है, मतलब बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, समझ गए आप लॉजिक नहीं, बस मॉलिक्यूल्स मोशन रैंडम होगी, यस, मतलब मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर में कहीं पे भी आपने रखे हैं, पूरी गैस को भर दिया है, तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो रैंडम मोशन में होंगे, ऐसे नहीं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, किधर भी जा सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव, रैंडमली मूव कर रहे होंगे, आपको पता है ना रैंडमली मूव कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कहीं पे आप एक खुले से एक स्पेस है बहुत ज्यादा और वहां पे बहुत सारे बंदे इकट्ठे हो रखे हैं और आपने चिल्ला दिया कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा होने वाला है, ये बॉम्ब फटने वाला है या कुछ ऐसा यहाँ पे होने वाला है, तो सारे बंदे रैंडमली मूव करेंगे, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, तो वो एक एक डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कहीं भी जा सकते हैं, दैट इज द रैंडम सिचुएशन। तो रैंडम मान के चलेंगे, रैंडम सिचुएशन हो रही है, बहुत सीधी साधी और बहुत भोली भाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है, वो किधर भी जा रहे हैं, पूरे मस्ती कर रहे हैं हर डायरेक्शन में, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको। एंड पॉइंट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट,
कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होगा आपस में या फिर जिस कंटेनर में आप फिल करोगे दीवारों पे जो वो टकरा रहे होगे फटाक से जाके, तो जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। कोलिजन आप सब पढ़ चुके हो, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। अच्छा सर, मतलब ये कैसे, क्या फायदा क्या होगा? जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों वो कंजर्व रहती है, और जो उनका लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एनर्जी का लॉस वहां पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर द फोर्थ एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, नो एक्स्ट्रा फोर्सेस मस्ट बी इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन, कोई एडिशनल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट द फोर्सेस ड्यूरिंग द कोलिजन। हां, उस सिचुएशन को हम छोड़ेंगे, मतलब उसको कंसीडर करेंगे कि जब वो आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, दीवारों पे कोलाइड कर रहे होंगे, वॉल के साथ कंटेनर के कोलाइड कर रहे होंगे, वहां पे जो फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका तो यूज करेंगे, बट और कोई एडिशनल फोर्स यहां पे यूज नहीं होने वाला है। समझ गए लॉजिक? तो दीज आर द अजम्पशंस यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग टू दिस केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैथमेटिकल चीजें स्टार्ट करने से पहले। तो देखो यार, ये बेसिक जानकारी बहुत जरूरी थी इस लेक्चर में, अब यहाँ से अपना मिशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आप जल्दी से रिवीजन मार लें, क्या क्या हमने शुरू से पढ़ा दिमाग में सेट कर लें स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि सबसे पहले मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा प्रेशर का। समझिए लॉजिक, प्रेशर है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेशर की, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इस पानी को आगे बढ़ाएंगे, साथ में मिलकर बढ़ाएंगे, तो टेंशन लेने का नहीं, बस टेंशन देने का, मुस्कुरा भी लेकर कभी कभी। ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से वो मेन चीजें हैं जिसमें हमने पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रेशर एग्जर्टेड बाय द आइडियल गैस। अब हमने अजम्पशंस वगैरह सारे बेसिक फंडे जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है वो सब हमने सीख लिया बेसिक तौर पर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आपके दिमाग में सारी चीजें होनी चाहिए। अब हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे जो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। बाकी जो अदर चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में इतना भी समझ में आ गया ना तो नेक्स्ट लेक्चर तो आपके लिए बिल्कुल अल्टीमेट आसान होने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो बात करेंगे प्रेशर एग्जर्टेड बाय द आइडियल गैस या गैस मॉलिक्यूल्स। जब हम किसी कंटेनर में किसी गैस को फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं, तो किस तरीके से प्रेशर की कैलकुलेशन करेंगे। डिराइव तो नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, हां समझाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, और उसका प्रेशर का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका एप्लीकेशन कैसे करना है उसी को आपने सीखना है, है कि नहीं, उसी को सीखना है आपने। ओके, हाउ टू अप्लाई दैट एक्सप्रेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वो कुछ क्वेश्चंस में फटाफट उस पर हम डिस्कस करेंगे, तो आपको अल्टीमेट तरीके से वो यूज करना आ जाएगा। तो एक कंटेनर लेते हैं, मतलब कंटेनर मतलब सर 3D बॉक्स है ना, एक क्यूब बना लो एक तरीके से आप। ओके ओके एंड ओके, सुपर ओके एक्चुअली, ठीक है। तो ये बन गया आपका 3D बॉक्स, एक कंटेनर बन गया, इसमें गैस आप डाल दो, भर दो, मॉलिक्यूल सारे भाग रहे होंगे। अजम्पशंस में अभी हमने देखा है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशंस, आपने क्या माना था उसमें सारे के सारे कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं। आइडियल गैस इक्वेशन है, उसके अजम्पशंस क्या थे, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे, ये क्लियर है, आपस में टकरा रहे होंगे, इसकी वॉल्स पे टकरा रहे होंगे, तो उनका कोलिजन इलास्टिक मानना है, ये भी क्लियर है, ठीक है जी। चलो अब दोस्तों, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर गैस के, जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ऐसे मान लो कि इसके अंदर हमने एक गैस ले ली और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ये आप इमेजिन करो कि ये रैंडम मोशन कर रहे, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई किधर भी जा रहा होगा कोई, ठीक है। अगर मैं मान लू ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस पे, ये डायरेक्शन आपकी जेड एक्सिस के लोग मान लेता हूं, हम क्या करेंगे गैस यहाँ पे, ये वाला देखो, ये फेस देखो इसका, ठीक है, ये वाला फेस ले लो और ये वाला फेस ले लो, ठीक है जी, ये वाला वॉल का उसकी, ठीक है, ये वाला फेस आप कंसिडर करेंगे। तो हम इमेजिन कर ले यहाँ पे, हमें पता भाई वो जो मॉलिक्यूल है, कोई भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आप उठा लो यहाँ से, लेट्स सी आप कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इस वाले फेस पे यहाँ से इधर भागेगा, टकराएगा, वापस आएगा, टकराएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, अपनी एनर्जी तो लॉस नहीं करेगा, और ऐसे जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, सामने वाली दीवार पर जाकर टकराओ, फिर वापस आऊँ, फिर टकराओ, फिर वापस आऊँ, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन करके आ रहा, जरूरी नहीं उसी डायरेक्शन में जा रहा, इससे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जब हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लिया, हो सकता है आप खुद ही देखो, मान लिया एक मॉलिक्यूल यहाँ से इस वाले फेस से चलता है, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी, इधर वेलोसिटी है तो एक्स डायरेक्शन में, इधर वेलोसिटी है तो वाई डायरेक्शन में, इधर वेलोसिटी है तो जेड डायरेक्शन में, आपने इमेजिन कर लेना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस, मतलब मॉलिक्यूल फ्री है, रैंडम मोशन कर रहा है, किधर भी जा सकता है, तीन डायरेक्शन है यहाँ पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो किधर भी जा सकता है। हम पता है क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ, अदरवाइज प्रेशर तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, पहले समझा देता हूँ। अरे यार इमेजिन करो, आप जिस रूम में बैठे हो, आपके सामने कौन सी वॉल है, आप जाओ और उससे टकराओ और फिर वापस आओ, फिर अपोजिट पे टकराओगे, तो हो सकता है कि आप ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, ऐसे भी तो हो सकता है यार, या फिर इस वाली वॉल से टकराओ फिर वहां सामने वाली वॉल से टकरा जाओगे, तो आप फ्री हो क्योंकि आपके पास तीन डायमेंशन है, एक्स में भी, वाई में भी। हम इमेजिन करके जब कैलकुलेशन करते हैं, इमेजिन करके करते हैं सारी चीजें, हमें निकालना है प्रेशर,
तो यार सर प्रेशर कैसे निकालेंगे भाई, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया। तो देखो एक सीरीज बनती है यहाँ पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रेशर निकालने के लिए फोर्स चाहिए कि सारे गैस के मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर जो आपका फेस होगा कंटेनर की वॉल होगी, इमेजिन करो कंटेनर की वॉल पे वो टकरा रहे हैं, तो जब वो टकराएंगे फोर्स अप्लाई करेंगे। और हमने अजम्पशन में सीखा था कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेना है, केवल वही फोर्स लेना है जो कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, है कि नहीं। मतलब ये सारे मॉलिक्यूल अगर किसी दीवार पे जाकर टकरा रहे हैं इसकी कंटेनर की वॉल पे, तो कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स आप निकाल सकते हो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम उसका, जितने भी टाइम में उसने अपने मोमेंटम को चेंज किया। दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कैन प्रोसीड। फोर्स यहां से निकालेंगे, यहां पुट करेंगे तो प्रेशर कहीं ना कहीं आ जाएगा। और इसमें एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं लेट्स सी कैपिटल एन है, इनको हम नाम देंगे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहां पे, आप इनकी इसकी बात ध्यान रखें, सारे मॉलिक्यूल से मिलकर गैस बनी हुई है, समझ गए आप? यस सर बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा जा रहा है दिमाग में। तो इतना भी याद रखेंगे ना कि यार सर ऐसा हो रहा है, रैंडम मोशन हो रही है, बहुत सारे बंदे हैं एक रूम में, मैंने आप सबको भर दिया एक ही रूम में, मैंने बोला जो करना है करो, आप किधर भी जा रहे हो किधर भी जा रहे हो, ठीक है, आप रैंडमली मोशन कर रहे हो, कहीं भी टकरा रहे हो कैसे भी टकरा रहे हो, लेकिन आपको आपकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही, जब आप टकरा रहे हो तो इलास्टिक कोलिजन है ऑब्वियसली, तो आप रैंडम मोशन कर रहे हो, ठीक है। तो ऑल दे आर रैंडमली मूविंग इनसाइड दैट कंटेनर, इनसाइड दिस पर्टिकुलर कंटेनर, ओके। हम क्या मान रहे हैं, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मानते हैं, आप ध्यान से समझना। ये हम मान लेते हैं कि सपोज करो ये इस वाले दीवार से, इस वाले फेस से चलेगा, इस पे टकराएगा इस वाली पे, और टकरा के फिर वापस आएगा, देखो ठीक है। तो जब ये इससे टकराएगा तो यहां फोर्स एग्जर्ट करेगा ना, और जब फोर्स एग्जर्ट कर चेंज इन मोमेंटम, और कितना टाइम लिया उसने और कितने डिस्टेंस कवर की यहां से यहां तक जाने में, सब निकालेंगे। मान लिया इस कंटेनर की जो साइड है वो एल लेंथ की है, तो हर साइड भाई एल लेंथ की होने वाली है इसकी, तो सर ये जब जाएगा तो इनिशियल मोमेंटम इधर होगा, जब टकरा के वापस आएगा डायरेक्शन चेंज होगी तो फाइनल मोमेंटम होगा। तो चेंज इन मोमेंटम आप निकाल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल से, ठीक है। और टाइम कैसे निकालेंगे सर, टाइम निकाल सकते हैं डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, डिस्टेंस देखो जाने में डिस्टेंस प्लस आने में डिस्टेंस, तो 2L डिस्टेंस कवर की होगी अपॉन उसकी वेलोसिटी vx होगी, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की x डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। वैसे ही वो y पे भी जा सकता है, वैसे ही वो z पे भी। ये प्रोसेस होता है सॉल्व करने का, पूरा नहीं करूंगा मैंने, जस्ट आपको समझा दिया, दिस इज द प्रोसेस। यहां से आप मोमेंटम निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग एक एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को मैं ले रहा हूं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज वैल्यूज हम निकाल लेंगे उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो x पे जाए या y पे जाए जेड पे, तीनों वेलोसिटी तो सेम ही होने वाली है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, x पे जाए या y पे या जेड पे, समझ गए आप? अब यहां पे जो प्रेशर, ये जब ये फोर्स इस पे एग्जर्ट कर रहा है, तो इसका जो एरिया होगा देखो, ये इसका बहुत सारे मॉलिक्यूल जब इस पे जाके टकराएंगे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका जो एरिया होगा इस वाले फेस का वो होगा इसकी साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है ना भाई, तो ऑब्वियसली साइड का स्क्वायर होता है एरिया। तो ये तो प्रेशर आप निकाल सकते हो फिर फोर्स पर यूनिट एरिया से, इस तरीके से। मतलब ये एक प्रोसेस है यार, इसको समझो आप, इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना आपने, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल्स को ये मान लो कि सारे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं पर्टिकुलरली, हो सकता है वाई में जाए, हो सकता है वो सामने वाले जेड पे भी आ सकते हैं, ठीक है सर। अब क्या करोगे, अब आपने यू हैव टू रिमेंबर प्रेशर एग्जर्टेड, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। पी इक्वल टू 1/3 एम इंटू एन बाई वी इंटू वी बार का स्क्वायर, ये याद रखना है, बस सपनों में ही आना चाहिए, बाकी चीजें गई तेल लेने। इसी का एप्लीकेशन आपने यहाँ पे सीखना है, दिस इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय, पूरा सॉल्व करने के बाद डिराइव करने के बाद ये रिलेशन आएगा, और हमें डिराइव नहीं करना है यहाँ पे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप जा रहे हैं, सो नो डेरिवेशन एट ऑल, यू हैव टू यूज दिस फाइनल रिजल्ट। एंड आपने सीखना है कि इसका यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये बढ़िया से सिखाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, दिस इज द प्रेशर, ठीक है गाइस, ये है प्रेशर, ओके। अब वी क्या है सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मान लो या कंटेनर मान लो, और वॉल्यूम अगर आपको लिखना पड़े तो भाई एल का क्यूब होगा, बट आप वॉल्यूम एज इट इज याद रखेंगे। एम क्या है सर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो अगर ये स्मॉल एम जो है ये है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है जी, एक मॉलिक्यूल का है। और अगर मैं एम एक मॉलिक्यूल के मास में टोटल मॉलिक्यूल्स के नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा टोटल मास ऑफ गैस, जिस ऐसी गैस जिसके पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये टोटल मास ऑफ गैस आ गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू 1/3 एम बाई वी इंटू वी बार का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, तो ये जो यहाँ पे यूज हो रहा है ना, वी बार का स्क्वायर, थोड़ा सा तो आपको याद हो गई, बार मतलब एवरेज के लिए यूज किया जाता है, बार मतलब ये एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है। इस पूरे टर्म को नाम दिया जाएगा मीन, मतलब इस बार का मतलब ये जो वेलोसिटी है ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मीन, है ना, याद रखना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर भी तो रखा है, स्क्वायर
वेलोसिटी है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी. दिस होल टर्म इज कॉल्ड एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब एवरेज भी है और हर वेलोसिटी का स्क्वायर भी है. मतलब लिखेंगे कैसे, सपोज करो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 एन तक. तो हाउ वी कैन राइट दिस, वी कैन राइट दिस मीन का मतलब हर पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर करो इंडिविजुअली थर्ड वाली, ठीक है, एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, डिवाइड में टोटल से डिवाइड कर दो. देखो ये टोटल से डिवाइड करना मतलब स्क्वायर भी है और उनका मीन भी है, इसलिए इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो सब कुछ पता चल गया. एंड दिस कैपिटल एम इज द टोटल मास ऑफ गैस कंटेनिंग एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ध्यान से समझना, मास ऑफ गैस है ये. And this is the volume. Okay. Very, 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 very important, guys. ये आपने याद रखना this one. अब इस पर focus करेंगे आप. इस वाले expression पे आप focus करेंगे. ठीक है सर. अब इसका use कैसे करेंगे question करने के लिए वो सब बताऊंगा, टेंशन नहीं है. अब देखो थोड़ा सा और कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको. मास ओवर वॉल्यूम, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप. ये बन गई डेंसिटी रो. ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस, ये उस गैस की बन गई मास डेंसिटी. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी बार का स्क्वायर. ठीक है, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये. ये बन गया नेक्स्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. कम ऑन गाइस, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ गैस एंड द वॉल्यूम. क्लियर. सो इसका इस तरीके से आपने यूज करना है. दिस इज द फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना. आपके सामने किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम है उसका जो भी रहेगा कंटेनर का, उसका मास है गैस का और वेलोसिटी है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है. एंड ये डेंसिटी है उसकी, ये प्रेशर है उसका. क्लियर है. अब इसका यूज कैसे करोगे आप न्यूमेरिकल करने के लिए, वो सब बताऊंगा. पहले इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर इसी के थ्रू आपने निकालनी है. जैसे ये हमने ये फॉर्मूला लिखा ना, ये फॉर्मूला लिखा ना हमने किसका, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का. दिस इज द फॉर्मूला मीन स्क्वायर वेलोसिटी का. वैसे ही हम वेलोसिटी निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी. आप सबको पता है, आप सबने नाम सुना होगा. पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन करना है, इस फॉर्मूले का मैंने आपको सिखा देना है. ठीक है, ठीक है, ओके. तो ये सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से देखते हैं फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करना है. सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का. 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, सो देखो यहाँ पे उसने क्लियरली क्वेश्चन में बोला, आप जल्दी से रीड करेंगे. इफ द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज डबल्ड, ओके अच्छी बात है. एंड द स्पीड इज हाफ, ठीक है, स्पीड को हाफ कर दिया, मास को डबल कर दिया. फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड द फाइनल प्रेशर. तो गैस का जो प्रेशर है, पहले तो वो लिख लो कितना होता था मास के टर्म्स में, 1/3 मास ऑफ द गैस ओवर वॉल्यूम इंटू वी एवरेज का स्क्वायर, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी. इसमें और ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये वॉल्यूम है. ओके सर, अब हमें बिल्कुल क्लियर पता है उसने चेंज क्या किया, उसने मास चेंज किया है और वेलोसिटी को चेंज किया है. ठीक है, ये कांस्टेंट, ये वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो. तो सपोज करो इनिशियल प्रेशर उसका P1 है और डिवाइड में P2 कर देंगे फाइनल. तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी, क्योंकि निको चेंज कर रहा है. तो इनिशियल मास गैस का M1 है, बाद में M2 हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी है V1 बार स्क्वायर और V2 बार स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हैं आप, मतलब V1 बार और V2 बार इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दो ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो बॉस. तो बनेगा फॉर्मूला इस तरीके से. अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज डबल्ड, यानी मास, मास को डबल कर दिया, यानी M2 जो हो गया इनिशियल से डबल हो गया है. बिल्कुल सर. और जो वेलोसिटी हो गई है, ठीक है, एवरेज जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी हो गई है उसकी, उसने बोला है फाइंड द स्पीड इज हाफ. तो वी, ये आपकी हाफ हो गई है इनिशियल जो है, V2 जो है इनिशियल से हाफ हो गई है. सिंपल है लॉजिकली. यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो तो P1 ओवर P2 आपके पास आ जा रहा है. मास है M1 और M2 आ गया 2M1. V1 ही रहेगा. V2 कितना है सर, V1/2 है, इस पूरे का होल स्क्वायर है. आपको पता है कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ही ली जाएगी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है. तो यहाँ पे आ जाएगा P1/P2 एंड ये कैंसिल, दिस इज 1/2, ये कैंसिल, 2 पर जाएगा तो 2 का स्क्वायर बनेगा, यानी 4 बन जाएगा, और 4/2 यानी ये बन जाएगा 2. यानी P1 ओवर P2 की वैल्यू आपके पास आ गई 2:1. दिस इज द रेशियो यू हैव टू कैलकुलेट, दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो एक्चुअली में. क्लियर है. तो इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम. फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है. और एक चीज बताऊं आपको, 99.5% क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं. तो आपने टेंशन ही नहीं लेनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस बस अप्लाई करना आना चाहिए, फॉर्मूलाज याद होना चाहिए. अगर एक और बढ़िया चीज बताऊं आपको, ये पूरा टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड है. कंसेप्ट थोड़े फोते आपने याद रखने हैं, बाकी टोटली फॉर्मूला बेस्ड है. कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है. कभी कभी तो इससे डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिए जाते हैं. जाके देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन आए और सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है.
बहुत कम होते हैं जो अब बहुत लेंदी से होंगे या बहुत कंसेप्चुअल होंगे, डायरेक्ट हो सकते हैं वो अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आती हैं। एक और करें ट्राई, यस एक और ट्राई करते हैं। ओके सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो और भी मजा आ जाएगा, देख लेंगे आप देख लो, अब तो आप खुद भी कर सकते हो। यस तुम्हारी मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। जो डेटा गिवन है उसको पहले लिख लो, फिर क्या पूछा इसका फॉर्मूला सोचो, फिर उसको कन्वर्ट करो। क्या बात कर रहे हो, जितनी देर तक मैं बकवास करता रहता हूँ ना उतने में तो आपका आंसर आना चाहिए, तुरंत आप चिल्ला उठो यार सर आ गया आंसर, मजा आ जाता है बॉस, हाई एनर्जी। ओके तो उसने बोला कैलकुलेट द रेशियो ऑफ चेंज इन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस टू द इनिशियल मास। क्या बात कर रहा है, लेट्स सी। इनिशियल मास हमने मान लिया उस गैस का एम वन है, कैपिटल एम मानना आपने, ठीक है। और एंड जो फाइनल मास है, जो फाइनल है, फाइनल जो मास है चेंज होने के बाद, है ना, ऐसे मान लो फाइनल मास आप मान लो उसका m2, ठीक है, इनका रेशियो ही तो पूछ रहा है। ओके टू द इनिशियल यानी m2 ओवर m1 पूछ रहा है, m2 ओवर m1 पूछ रहा है, ओके ये पूछ रहा है, ठीक है जी, इसने यही पूछा। देखो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ चेंज इन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस टू द इनिशियल मास। क्या दे रखा है, इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस टू हाफ, इनिशियल स्पीड मान लो, इनिशियल स्पीड एवरेज थी आपकी कुछ भी, फाइनल हो जाएगी इसकी हाफ, बार है ये, फाइनल हो जाएगी इसकी हाफ, ठीक है, इनिशियल इतनी है, ऐसे बोला कम हो गई जी, हाफ हो गई जी। एंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड द फाइनल प्रेशर इज दिस, इनिशियल प्रेशर पी वन, फाइनल प्रेशर पी टू, मान लो 3/4 दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है क्लियरली। तो यार फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना सबको, क्या बात कर रहे हो आप। तो देखो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास ओवर वॉल्यूम इनटू वी बार का स्क्वायर, बिल्कुल। चलो भाई आप कन्वर्ट कर लो, पी वन ओवर पी टू टोटली डिपेंड अपॉन मास एंड दिस, तो हम लिखेंगे एम वन ओवर एम टू, ठीक है सर, इनटू वी वन ओवर वी टू का स्क्वायर सर, बिल्कुल ये दे रखा है 3/4, बढ़िया है सर। एम वन ओवर एम टू तो निकालना है सर, वी वन कितना है सर इसकी हाफ है, तो जब यहाँ पे v बाई टू लिखोगे ना, v बाई टू और इसका स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल, 2 पर जाएगा 4, तो ये आएगा 3/4 इक्वल टू आएगा m1 बाई m2 इंटू ये आएगा 4, देखो 2 पर जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, हमें चाहिए m2 बाई m1, ठीक है ओके, m2 पर लेके जाओ m1 नीचे, तो आप लिखेंगे m2 बाई m1, ठीक है जी, तो ये 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे, यानी 16/3, दिस इज द रेशियो, कम ऑन गाइस, दिस इज द रेशियो, नाउ यू कैन सी, क्लियर है। तो आप देख सकते हो ये रेशियो आ गया मास का, देख लो भाई एक बार कैलकुलेशन वगैरह आप चेक करते रहना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, लॉट ऑफ क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, बट आपको आइडिया मैंने देना था, आइडिया आपको लग गया किस तरीके से क्वेश्चन आप अप्लाई करके आएंगे। अब आगे चले थोड़ा सा, यस मजा डालेंगे बॉस, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ओके बॉस अब फाइनली इस लेक्चर के एंड में हम आ चुके हैं उस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे आ चुके हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चन इससे आए हैं और जिसकी वजह से हमें ये टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता है। ओके और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब सिखाने वाला हूं, टेंशन नहीं लेने का, गलती भी नहीं करने का बॉस, कैलकुलेशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके आप प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके बॉस अब देखो उसने बोला रूट मीन स्क्वायर स्पीड, क्या बात कर रहे हो सर, रूट मीन स्क्वायर यानी वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात करेंगे भाई, आप ध्यान से समझियो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को आप दो कैटेगरी में यहां पे कन्वर्ट करने वाले हैं। सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ निकालेंगे आप टेम्परेचर, और इसका मीनिंग क्या है ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लेने का, ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ओके दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए बॉस, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है दिस वन, वेरी वेरी वेरी, और जो मेन है, एक्चुअली मेन है भाई, मेन तो यही है ना, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो कैसे करेंगे, देखो इसको बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा, देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है क्या, बेसिकली लॉजिक समझो, अगर देख लो मेरे पास था मीन वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी मीन स्क्वायर स्पीड था, मीन बार का मतलब मीन है ये, मीन वेलोसिटी एवरेज है और इसका स्क्वायर भी है, तो देखो मीन स्क्वायर तो है, एम एस का मतलब मीन स्क्वायर तो है, अब रूट लगा दो उस पर, अगर इसी पे मैं रूट बना दूं तो यही बन जाएगी वी, पहले रूट लिखो फिर मीन लिखो फिर स्क्वायर, बस खत्म कहानी, मतलब ये मिल जाए ये निकाल लूंगा मैं आसानी से, कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं यार आसानी से, समझ में आया लॉजिक। देखो एम एस तो पहले से ही था, रूट बनाना था बस, एम एस क्या था ये, इस पे रूट लगा दिया, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको निकाले कहाँ से सर, देखो प्रेशर आपके पास था 1/3, ठीक है, एम ओवर वी इंटू वी एवरेज का स्क्वायर यानी मीन का स्क्वायर, यानी एम एस वेलोसिटी है ये, मीन स्क्वायर स्पीड है ये, मीन स्क्वायर ये एम एस स्पीड है, मीन स्क्वायर है, ठीक है, स्पीड आप ऐसे समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम गाइस। अब क्या करना है सर, देखो पहले इसको निकाल लो यहाँ से, तो ये इसको इधर लेके आओ, तो 3 आएगा v आएगा, तो 3 पी वी और मास आएगा नीचे, गैस का मास है ये, गैस का ध्यान रखना, और इज इक्वल टू आएगा v एवरेज स्पीड का स्क्वायर। मैंने बोला इसका अगर रूट लगा दूं इधर भी तो रूट आएगा,
तो ये क्या बन गई, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो v रूट इंटू एम एस आर एम एस, इसी को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्लियर है? यस। अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूं फॉर्मूला आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3PV/m। ओके गाइज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझना बॉस, कन्वर्ट करना है बॉस, हमने इसको कन्वर्ट करेंगे बॉस। तो यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू, p प्रेशर, v वॉल्यूम, दिस इज द मास, कम ऑन दिस इज द मास। अब क्या करें सर, ध्यान से देखो, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि टेम्परेचर बनाना है ना, तो भाई वो क्या होती थी पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी वी की जगह क्या लिख सकते हो एन आर टी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, पी वी की जगह क्या लिख सकते हो एन आर टी। ठीक है सर, बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है सर, यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर, कोई टेंशन नहीं लेने का। अब करेंगे क्या, करना कैसे है भाई, सारी चीजें सारी सिचुएशन किस तरीके से आपने हैंडल करनी है। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, कम ऑन गाइस, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। अब ध्यान से समझो, जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस है ये, ठीक है, हमें इसको मोलर मास में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी, मोलर में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एन की जगह आप क्या लिखोगे, देखना, एन की जगह आप लिखोगे मास ऑफ गैस ओवर इट्स मोलर मास, एम नोट से लिख दो उसको, ये आपका मोलर मास। मैंने आपको बताया था वेरी इंपॉर्टेंट, ये केजी में लेना है, इन केजी, केजी में लेना है ये किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए, ठीक है, इनटू आर टी। तो पीवी की जो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट में आएगा 3PV/m इनटू पीवी की जगह लिखेंगे हम एम आर टी और बाई आ गया एम नॉट, देखो ये हो गया कैंसिल, हो गया। तो बचा क्या सर, वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट में बचा 3RT/m0, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, दिस फॉर्मूला इज ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, यू हैव टू यूज ऑलवेज, जब भी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करेगा हमेशा इसी फॉर्मूले की बात करते हैं। और यहाँ पे मास ऑफ जो यहाँ पे बनने वाला मोलर मास है यहाँ पे, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर गैस का है अगर आप बात कर रहे हैं तो मास मोलर मास है। और ये जैसे अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर गैस की बात कर रहा हूँ, जैसे ऑक्सीजन की बात करूँ, 32 ग्राम पर मोल, तो जो ग्राम में गिवन होता है ना, ग्राम में जो मोलर मास है उसको केजी में कन्वर्ट करके आपने यहाँ पुट करना है, इस बात का ख्याल रखेंगे आप जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो ऑलरेडी आपको पता भी चलेगा, बट आपने इसको दिमाग में रखना है, दिस इज द मोलर मास। क्लियर, वो आप जानते हो केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा आप लोगों ने। सो दिस इज वी आर एम एस। ओके गाइज, तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वी आर एम एस आ गया अंडर रूट ऑफ 3RT/m0। कंफ्यूज नहीं होने का, m इज द टोटल मास ऑफ द गैस हैविंग द n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑलवेज, एंड दिस इज द मोलर मास। क्लियर है? ऑलवेज रिमेंबर। एंड देख लो, ये कॉन्स्टेंट और मोलर मास किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए कॉन्स्टेंट होता है, तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है RMS speed, the function of temperature. As the temperature increases, speed increases, kinetic energy increases. तो temperature पे totally depend करती है boss. यानी the measurement of the kinetic energy of the gas है ना, वो हमेशा temperature से ही किया जाता है. This is the measure of the kinetic energy of the gas. है ना, temperature, totally temperature. Constant है तो ये constant है, zero है तो ये zero हो जाएगी. इसको increase करोगे तो increase करेगी, decrease करोगे तो decrease करेगी. This is really important situation. You have to remember here. Okay? आप ध्यान से देखेंगे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनकी जो स्पीड है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो टेम्परेचर पे टोटली डिपेंड कर रही है। ठीक है जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने रखना, दिस इज वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो जो भी मेन पॉइंट है मैं लास्ट में लिखाऊंगा, अभी इनका यूज भी करेंगे ना क्वेश्चन करने के लिए। अब मैं आपको पहले बता दूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ओके, तो इसको भी बता देता हूँ, फिर इसका यूज कैसे करना है वो आपको बता दूंगा। तो मैंने समझा दिया आपको किस तरीके से आया है, कैसे आपने याद रखना है, किस तरीके से आप बना सकते हो। कूल ना मैन? यस। ओके भाई लोग, तो देख लेते हैं जल्दी से क्या इसके मेन पॉइंट जो यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज ऑफ इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस, यू नो आपको पता होना चाहिए यार एटलीस्ट कि भाई टोटली जो गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो स्पीड है, उनकी काइनेटिक एनर्जी है, वो किससे यू नो हैंडल हो रही है एक तरीके से, किस चीज का उस पर मैक्सिमम और सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, किस तरीके से डिपेंड कर रही है। तो अभी अभी हमने देखा जो टेम्परेचर है गैस का, अभी हमने देखा बिकॉज ऑफ जो आरएमएस स्पीड आ रही थी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी जो थ्री है आर है और जो मॉलिक्यूलर सॉरी मोलर मास है ये सब कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए, तो टोटली अब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, घटेगा तो घटेगी, जीरो है तो जीरो है, ऑब्वियसली। अब वो बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ द गैस इज द मेजर, ठीक है, इज द मेजर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स, जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो उनको मिलने वाली है इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, वो टोटली डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उनकी एनर्जी ऑब्वियसली उतनी तेज भागेंगे, ज्यादा एनर्जी उनके पास होगी।
घटाओगे तो कम होगी, सीधी सी लॉजिक है, सीधी सी बात है यार, ठीक है। अब वो बोलता है अगर 0 डिग्री 0 केल्विन टेम्परेचर आप कर देते हैं तो ऑब्वियसली 0 केल्विन पे जो उनकी वीआरएस स्पीड है वो तो 0 नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली 0 पे 0 हो जाएगी, यानी मॉलिक्यूल्स चलना फिरना कूदना भागना बंद कर देंगे, स्टॉप हो जाएगा मोशन, मोशन ही स्टॉप हो जाएगा बॉस, यू हैव टू रिमेंबर। चलो भाई थोड़ा सा पॉइंट था मैंने डिस्कस कर लिया। अब न्यूमेरिकल करने के लिए आप कैसे बना सकते हैं, अगर आप देखो फॉर टू डिफरेंट, फॉर अगर मैं लिख दूं फॉर टू डिफरेंट है ना, टू डिफरेंट गैसेस एट डिफरेंट, हो सकता है वो सेम दे दे टेम्परेचर्स, क्योंकि टेम्परेचर के बदलने से बदल रही है। अब आप उस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है फॉर्मूला है वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट, बेहतरीन छोटा सा प्यारा सा लेकिन दुरंधर फॉर्मूला, एम नॉट इज द मोलर मास, रिमेंबर ऑलवेज एम लिखो अब चाहे तो, पर मोलर मास है ध्यान रखना। तो किस पर डिपेंड कर रही है, वी वन पहले गैस की स्पीड होगी, वी टू भाई मान लिया उसका अलग अलग गैस है तो मास अलग अलग होगा, टेम्परेचर अलग अलग है, तो देखो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के इनवर्सली, तो अंडर रूट में आप क्या लिखेंगे, टी वन फर्स्ट गैस का टेम्परेचर कितना है, सेकंड का कितना है, मास के इनवर्सली है तो सेकंड गैस का मास ऊपर आएगा मोलर और फर्स्ट का नीचे आएगा, बस इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले, क्वेश्चन वगैरह बनाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ओके सर, हाउ टू यूज दिस दीज फॉर्मूलाज, वो सब सिखाऊंगा, प्रेशर की बात कर रहा हूँ फिलहाल, देखो ठीक है। तो दोस्तों देखो अभी मैंने आपको रिलेशनशिप लिखी थी, पी इज इक्वल टू 1/3 एम बाई वी, वी बार का स्क्वायर, ये लिखी थी ना, यस सर बिल्कुल। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ये 3P हमने इधर लेके गए थे, 3PV और नीचे आया था m और यहाँ पे बनाया था v बार का स्क्वायर है ना। अब ये है वॉल्यूम, ठीक है, और ये है इसका मास, यानी मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो वॉल्यूम बाई ये तो भाई नीचे डेंसिटी आ जाएगी यार, आपको पता है यार मास अपॉन वॉल्यूम होता है मास ऑफ गैस इसकी डेंसिटी, तो ये 1/3 आ जाएगा, तो v बार का स्क्वायर हो जाएगा 3P/ρ, ρ नीचे आएगा ना फिर तो उल्टा है ना, तो ये बन गया इसका, और इस पे रूट ले लो, तो यहां से अगर आपने लिखना है वी आर एम एस, आर एम एस अगर बनाना है तो रूट इधर भी आएगा, रूट इधर भी, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3P/ρ, एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, यू हैव टू रिमेंबर, ओके बॉस दुरंधर खिलाड़ी हो। आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग वी आर एम एस वेलोसिटी जो है प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, और वो प्रेशर है और ये डेंसिटी है, एक बात का ख्याल रखना, प्रेशर और डेंसिटी, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है, प्रेशर घटाओगे तो डेंसिटी भी घट जाती है, अगर एक तरीके से नॉर्मल केस देखा जाए, आपको पता कैसे चलेगा इसका यूज कैसे करें, इसलिए मैक्सिमम नॉर्मल क्वेश्चन टेम्परेचर वाले केस पे ही पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब वो एक कॉन्स्टेंट, हाँ कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा, ध्यान रखना कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कोई डेंसिटी गिविन होगी अगर, तभी इसका आप यूज करोगे, भले फिर टेम्परेचर वगैरह आपको गिविन होगा, बट अगर डेंसिटी आपको गिविन होगी किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, तब इस फॉर्मूले का यूज करोगे, अदरवाइज आप समझ गए ना लॉजिक, डेंसिटी इज नॉट डिफाइंड इन द क्वेश्चन, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू यूज दिस वन, और टेम्परेचर भी गिवन है और फिर ये आपने यूज करना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ही सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये भी आपको बस पता होना चाहिए जस्ट कि क्या रिलेशन होता है प्रेशर के साथ, समझ गया लॉजिकली। तो दोस्तों ये थी इसकी कहानी, मेरी जुबानी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है आपकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, इस लेक्चर में इतना ही है, बस एक दो क्वेश्चन में जरूर कराऊंगा अभी, जिसे एप्लीकेशन करना तो आ जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन सेकंड लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वहां पे हर टाइप की स्पीड सीखने वाले हम बेहतरीन तरीके से, कौन सी सर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है वो भी सीखेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के कैसे क्वेश्चन आएंगे, उससे कैसे आएंगे सब सीखेंगे, और जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ होता है यू नो वेलोसिटीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने समझाया था वो सब देखेंगे, हम सब वहाँ पे डिस्कस करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, टेम्परेचर की वजह से जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है, प्रेशर की बात करेंगे, एनर्जी और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है उसको भी तो क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन भी पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेसिक सारा हमने क्लियर कर लिया प्रेशर और आरएमएस वेलोसिटी तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में, अभी कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ जिससे ऑसम तरीके से अल्टीमेट तरीके से आप इन सब चीजों को अप्लाई करना सीख जाओ यार, मस्त तरीके से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे ना, मस्त तरीके से अप्लाई करके जाएंगे ना, और इन पे डिपेंडेंट इतने कंसेप्ट पर डिपेंडेंट जितने भी न्यूमेरिकल अभी तक आ सके देख के ढूंढ के सॉल्व कर लेना अभी के अभी, बहुत जरूरी है, टेक योर एक्शन ओके राइट नाउ। तो ये सो एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं क्या है हमारे पास आज की इस कहानी में, सो हियर इज द क्वेश्चन, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ ना, बस आपको समझना है डेटा क्या गिवन है, फॉर्मूला क्या है, उसका अप्लाई करना आना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में आए, मेंस में आए, नीट में, किसी में भी आए, ठीक है, आप कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, बस आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको उनका एप्लीकेशन करना आना चाहिए, लिटिल बिट आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो मजा आ जाएगा बॉस, उड़ा डालेंगे, ठीक है। उसने बोला मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस हैव आरएमएस वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड एट 27 डिग्री सेल्सियस, गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आरएमएस वेलोसिटी दे रखी है इनिशियली, मान लिया 200 मीटर पर सेकंड है एट T1 टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पे, और याद रखना यहाँ पे जो टेम्परेचर आप यूज करोगे वी आरएमएस वेलोसिटी के लिए दैट मस्ट बी इन केल्विन,
केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना। तो टी वन कितना जाएगा, 27 + 273 एंड दैट इज 300 केल्विन। यू हैव टू पुट द टेम्परेचर इन केल्विन। ये मैंने वहां नहीं बताया, यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब वो बोल रहा है कि एंड प्रेशर दे रखा है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 5 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये आपका प्रेशर आपको गिविन है। ओके सर, ओके, नॉट फाइव, दैट इज वन, ठीक है, कूल। अब वो बोल रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द गैस आर रेस्पेक्टिवली। अब उसने बोला है कि टेम्परेचर हो जाता है 127 डिग्री सेल्सियस, तो हमें तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, 273 ऐड कर दो, तो 273 तो 400 केल्विन हो गया। आप चेक कर लें T2 400 केल्विन, और प्रेशर उसका हो जाता है कम, 0.5 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन में इसी से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, 0.05 है, सॉरी गाइस, दिस इज 0.05, इतना रिड्यूस हो गया है जो प्रेशर उसने दिया है। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स नाउ, अब वो बोल रहा है कि अब बताओ वी आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी इस कंडीशन में, लेट्स सी वी आरएमएस 2 होगी इस कंडीशन में, वो पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने, नो प्रॉब्लम। अब आपके सामने घनी समस्या यहाँ पे आके खड़ी हो गई है कि यार सर क्या करे, यहाँ तो प्रेशर भी दे रखा है बॉस, टेम्परेचर भी दे रखा है, मैंने अभी आपको बताया था डेंसिटी डिफाइन नहीं की गई है, जिस रेशियो में प्रेशर चेंज हो रहा है डेंसिटी भी चेंज हो रही है, अगर डेंसिटी यहां डिफाइन नहीं की गई, वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग टेम्परेचर फॉर्मूला। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ध्यान से समझना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हम उसी का यूज करेंगे 300 से 400 केल्विन। तो हमें पता है वी आरएमएस इक्वल टू होती है अंडर रूट 3RT/m, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है सर। अब ये देख लो, गैस तो चेंज नहीं हो गई, उसने बोला मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन गैस, गैस वही है सेम, यानी मास तो सेम ही रहने वाला है मोलर। तो हम क्या करेंगे, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग केवल चेंज हो रही है, तो पहली वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी, अंडर रूट में टेम्परेचर पहला दूसरा टेम्परेचर, खत्म कहानी, मास तो सेम ही है ना, गैस तो सेम ही है ना। तो यहाँ पुट कर दो, देखो वी वन है 200, वी टू निकालनी है, पहला टेम्परेचर कितना आया था 300 सर, दूसरा कितना आया सर 400 कैंसिल आउट कर देंगे। ओके बॉस, अब क्या करोगे, देखो 200/V2 इक्वल टू √3, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आएगा 400/√3, यस दिस इज मीटर पर सेकंड, दिस इज द फाइनल स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एट दिस टेम्परेचर। सो यहाँ प्रेशर नहीं लेना है आपने, ठीक है, प्रेशर के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो उसी के रेशियो में वो भी चेंज होती है, तो उसका हम कोई इफेक्ट यहाँ मान के नहीं चलेंगे। इस बात का ख्याल रखें दोस्तों, प्रेशर कॉन्स्टेंट मान के ही क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। क्लियर हुआ, मेन पॉइंट इज दैट दिस इज द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, लेट्स सी, हियर वी गो। ओके, सो हियर वी गो, एंड दिस इज आवर वेरी फर्स्ट, नॉट वेरी फर्स्ट, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, कम ऑन। तो उसने बोला इफ द प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लह क्या बात कर रहा है, पहले क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, प्रेशर आपका कॉन्स्टेंट है, अच्छी बात है। अब वो बोल रहा है फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, फाइंड द टेम्परेचर एट T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन, बाय 273 ऐड करोगे ना, इस पर जो स्पीड है मान लिया वो V1 है, इस पे जो स्पीड है मान लिया वो V1 है। अब वो बोल रहा है कि वो टेम्परेचर निकालो जिस पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस इज हाफ, यानी सपोज करो एट T2 इट्स स्पीड, RMS स्पीड है, ध्यान रखना, is now V2, ठीक है, is now V2 and that is half of its value at 27, मतलब इसकी half है ये, तो V1/2 है ये, तो जब इसकी final speed अपनी initial की half हो जाती है तो बताओ temperature कितना है। तो भाई temperature का ही सारा सारा खेल है, तो हमें पता है VRMS speed क्या होती है, VRMS speed होती है √3RT/m, गैस सेम है, ये सब कुछ constant है, तो अगेन V1/V2 लिखेंगे, अंडर रूट T1/T2 लिखेंगे, चांदी मेरे एक बात का ख्याल रखिए बॉस। आप देखो 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 इस फॉर्मूले का आपने बहुत स्मार्टली यूज करना है, कैसे सर, देखो V1 लिख दो, V2 का लिखेंगे V1/2। आप देखो जब आप टेम्परेचर पुट करेंगे वहां पे ख्याल रखना होगा T1 को भी केल्विन, इसको भी केल्विन लेना है, तो T1 कितना था इनिशियली 27 केल्विन में आ गया 300, नीचे जब आप T2 की वैल्यू पुट करोगे तो T2 को केल्विन में पुट करने के लिए 273 ऐड कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तब सॉल्व करना, ठीक है, तब सॉल्व करना, T2 + 273 तब केल्विन में वो माना जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कैंसिल 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर ले जाओ, अंडर रूट में यहां क्या बचा सर 300/T2 + 273,
ठीक है, क्योंकि हम मानेंगे कि ये इनिशियली डिग्री सेल्सियस में ही है क्योंकि ये डिग्री में दे रखा था। ठीक है जी, स्क्वायर करो बोथ साइड, 4 हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, तो 300/T2+273 क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4T2 आएगा प्लस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो 12, 4×3 12 और 9 और 10 यही आएगा, देख लो, और इधर बचेगा 300। तो भाई 4T2 आ गया दोस्तों, पक्का मल्टीप्लाई किया, ठीक है तो 300-1092 सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, तो T2=300-1092/4 यहां से सॉल्व करो, आंसर नेगेटिव में आएगा, जो टेम्परेचर होगा कैल्विन में वो नेगेटिव में होगा, आंसर इसका दे रखा है -198। आपने कैल्विन में तो कन्वर्ट किया है, जो T2 आएगा तो डिग्री में ही नहीं रहेगा, T2 तो हमने डिग्री में नहीं माना था, ये डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, 273 ऐड कर दिया, तो फाइनली आंसर आ जाएगा, बाद में कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपने डायरेक्ट कर दिया, -198 डिग्री सेल्सियस होगा, ध्यान से समझो, -198 डिग्री सेल्सियस, दिस मस्ट बी द टेम्परेचर ऑफ द गैस जब उसकी स्पीड इनिशियल स्पीड की हाफ हो गई थी 27 डिग्री सेल्सियस पे, जब वो इनिशियली था, दिस मस्ट बी द टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। ओके, तो ये थोड़ा सा आपने तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने उनका यूज करना है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन करना भी सिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन हम और भी करेंगे जो आ चुके हैं एग्जाम में, किसने टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो लेक्चर नंबर 2 का इंतजार आपने करना है। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों, होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में रिगार्डिंग टू KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक ऑसम सी वीडियो के लेक्चर के साथ। ओके, तब तक इसको प्रैक्टिस कर लेना बहुत बढ़िया तरीके से, इसके क्वेश्चंस कर लेंगे डिपेंडेंटली और फिर हम मचा डालेंगे। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।